गुड इवनिंग ऑल सी एस स्टूडेंट्स आज हमारी पूरी की पूरी टीम आई हुई है टू आंसर द एफ एस अबाउट आई सी एस आई न्यू सिलेबस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आप सबको मालूम है आई सी एस आई का न्यू सिलेबस एक फरवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से इफेक्टिव हो रहा है उसका पहला एग्जाम दिसंबर दो हजार तेईस में होने वाला है तो दिसंबर दो हजार तेईस के लिए जो आई सी एस आई का न्यू सिलेबस है उसके लिए हमारी टीम पूरी की पूरी तैयार है आप लोग को मालूम होगा हम पहले ही अपनी टीम डिक्लेयर कर चुके हैं एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं हम जो न्यू सिलेबस की हमारी टीम है उसमें हम चार टीचर्स हैं मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर चार सब्जेक्ट तो उनके चार टीचर्स मॉडल सेकेंड के अंदर तीन सब्जेक्ट तो उसके तीन टीचर्स है ना तो आपको लगभग एकदम सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिलेंगे और मैं आपको बता दूं सीएस एस नीतीश कुमार जायसवाल मैं आपको न्यू सिलेबस में लॉ पढ़ाऊंगा सी ए एफ एम नाम का जो सब्जेक्ट है सी ए अनुसर पढ़ाएंगे उसके बाद जो एग्जैक्टली एस बी आई एल है और ई बी एक्चुअली ई सी आई पी एल उसके अंदर श्वेता मैम का भी पार्ट होगा और जे आई जी एल के अंदर तन्वी मैम का भी पार्ट है तो चूंकि लॉ बहुत ज्यादा है तो लॉ में हम तीन टीचर्स हैं तो लॉ के अंदर हम तीन टीचर्स हैं और अकाउंट्स में अनूस्सर हैं टैक्स में आप जानते हैं आई डी टी मैं ही पढ़ाता हूँ डीटी के अंदर फिर से अनूस सर है तो ये हमारी टीम है चार टीचर्स की टीम है है ना सी एस नितेश कुमार जायसवाल जो मैं हूं सी ए अनूस सर सी एस श्वेता चुग मैम और सी एस तनवी खन्ना मैम तो हमारी टीम है और आज हमें ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग न्यू सिलेबस और बहुत सारे बच्चे यहाँ फेस टू फेस भी आज आए हुए हैं तो बच्चे कह रहे थे कि सर हमें थोड़े थोड़े डाउट्स हैं न्यू सिलेबस के ऊपर तो उसका आंसर हमें चाहिए तो हमने सोचा क्यों नहीं उनके क्वेश्चन आपके सामने लिए जाए और आंसर आपके सामने किया जाए जिससे आपका भी फायदा हो है ना तो चलिए अब मुझे लगता है एक सीएस का स्टूडेंट सीएस की स्टूडेंट है एग्जैक्टली exactly, वो आ रही है वो अपना क्वेश्चन पूछेगी और उसका आंसर हमारी पूरी की पूरी टीम करेगी है गुड आफ्ट गुड इवनिंग टू ऑल द टीचर्स माई सेल्फ पूनम शर्मा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सी एस सो माई क्वेश्चन इज फॉर सी एस नीतीश कुमार जयसवाल सर सो सर कैन यू टेल मी वाट आर द हाउ मेनी मतलब हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन न्यू सिलेबस ओके थैंक 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 यू 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 ओकेट योर नेम पूनम शर्मा ओके थैंक यू पूनम शर्मा अभी मैं आपको आंसर करता हूँ देखिए पूनम शर्मा ने एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा कि आई आई न्यू सिलेबस के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं तो मैं आपको उसका आंसर करता हूं ध्यान से कान खोल के सुनिए सबसे पहले सी एस एक्सिक्यूटिव न्यूज सिलेबस के अंदर दो मॉड्यूल्स हैं कितने मॉड्यूल्स हैं दो मॉड्यूल सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट एंड सी एस एक्सिक्यूटिव मॉड्यूल सेकेंड सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर चार सब्जेक्ट है सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल सेकंड के अंदर तीन सब्जेक्ट्स हैं सब मिला के कितने सब्जेक्ट्स हो गए सात तो ये एक बड़ा बेनिफिट है न्यू सिलेबस में ओल्ड सिलेबस में कितने हैं एग्जैक्टली आठ और न्यू सिलेबस में कितने हैं सात अब सातों सब्जेक्ट का मैं आपको नाम बताता हूं सबसे पहले सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर जो चार सब्जेक्ट है देखिए कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस कंपनी लॉ तो रहेगा ही वो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस जे उसके बाद एस और उसके बाद एग्जैक्टली exactly सी है ना ये चार सब्जेक्ट्स हैं इन चारों सब्जेक्ट का नामकरण मैंने कर दिया अभी आपके सामने है ना मैं फिर से बोल रहा हूं कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस सी एल पी इसको बोलेंगे शॉर्ट में उसके बाद अगला सब्जेक्ट जे आई जी एल है ना जो इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज उसके बाद आपका एग्जैक्टली एस बी एग्जैक्टली आई एल जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ ये है और उसके बाद आपका सी एफ एम है ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो ये चार सब्जेक्ट हैं एग्जैक्टली exactly किस में मॉड्यूल फर्स्ट में चारों सब्जेक्ट का नामकरण मैं फिर से कर दे रहा हूं आपके सामने जे आई जी एल सी एल पी कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस उसके बाद एस बी आई एल और उसके बाद सी एफ एम तो चारों सब्जेक्ट का नाम मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा मॉड्यूल फर्स्ट के अब मॉड्यूल सेकेंड के तीन सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूं सबसे पहले सी एम एस एल कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ उसके बाद है एग्जैक्टली exactly, इकोनॉमिक बिजनेस नहीं अब बिजनेस नहीं है सीधा कॉमर्शियल है, है ना? तो ई सी आई पी एल इकोनॉमिक कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इकोनॉमिक कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो आईपीआर होता है वो इस बार एकदम बढ़िया पूरे सम्मान के साथ लाया गया है तो इकोनॉमिक कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ ई सी आई पी एल और उसके बाद टैक्सेशन वही डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया 60 मार्क्स का इस बार और होना भी चाहिए मेरा मानना है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का कोर्स बहुत ज्यादा है है ना इनडायरेक्ट टैक्स जो मैं पढ़ाता हूं वो 40 मार्क्स का है कोर्स उतना ही है मार्क्स कम कर दिए गए हैं कस्टम एंड जीएसटी है ना तो ये कहानी है फिर से एक बार रिमाइंड करा दू समा के दो मॉड्यूल पहले मॉड्यूल में चार दूसरे मॉड्यूल में तीन समिला के कितने हो गए सात सातों में एक बार स्पीड में बोल देता हूं कंपनी लॉ इन प्रैक्टिस आई जी एल उसके बाद एस बी आई एल उसके बाद एग्जैक्टली सी ए एफ एम ये हो गया मॉड्यूल फर्स्ट के चार मॉड्यूल सेकेंड के चार तीन क्या क्या सी एम एस एल उसके बाद ई सी आई पी एल उसके बाद टैक्सेशन तो सब मिला के सात सब्जेक्ट हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है मिल गया होगा पूनम को अब कौन बच्चा आने वाला है पूछने के लिए जो भी डाउट है एकदम पूछिए खुल के पूछिए कम से कम दूसरे बच्चे को भी फायदा होगा है ना आइए इधर 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 जी यस गुड इवनिंग टीचर्स माय नेम इज पलक जैन माय क्वेश्चन इज फॉर श्वेता मैम व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ न्यू सिलेबस न्यू सिलेबस के क्या फायदे हैं है? क्या नाम बताया आपने पलक जैन पलक जैन अच्छा पलक जैन ठीक वेरी थैंक यू टू पलक जैन पलक जैन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या फ़ायदे हैं नए सिलेबस के सबसे पहले जो नया सिलेबस है जो सबसे पहला फायदा है जो सबको दिखता है वो है सेवन सब्जेक्ट्स एक एक सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव में क्लियर करना पढ़ना अपने में ही बहुत बड़ा चैलेंज है तो सेवन सब्जेक्ट्स होना एक ये बहुत बड़ा फायदा है दूसरा सबसे बड़ा फायदा है जो इस बार हमारी टीम का इन सेवन सब्जेक्ट्स के लिए जैसे सर ने बताया कि हर एक मॉड्यूल में हर एक सब्जेक्ट पे हमने क्रिटिकली इवेल्यूएट करके अपने टीचर्स में सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं सो so डैट हर एक सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन मिले आप उस सब्जेक्ट में एक्सेलेंट करें राइट right? और हमारा हमेशा से एक मोटो है हर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए कि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो वी आर हेयर टू गिव यू द रोड मैप उसमें आपको चलाते भी हमें और हमारी पूरी उम्मीद रहती है और कोशिश रहती है कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचें फर्स्ट yes. अटेम्प्ट में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें पता है हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट होता है सो दिस टाइम वी हैव स्पेशलाइज टीम फॉर ई सब्जेक्ट सब्जेक्ट के नाम सारे सर ने आपको अच्छे से रटा दिए हैं क्रैमिंग कर ली है आपने सारे सब्जेक्ट्स की जो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स को ही अच्छे से uh, रोट लर्निंग करना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है उसका छोटा नाम बहुत जरूरी है छोटा नाम बहुत जरूरी yes, है और हर बार हम, हम लोग ही नामकरण करते हैं हम लोग हम नाम, करन अभी करन भी आपको विश्वास नहीं नाम जो ओल्ड सिलेबस में चल रहा है वो हम नहीं दिया था SBC, अभी भी एस यू बी अब एस यू बी कहा पता चलता है एस बी सी पूरा लगता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस तो हमेशा सब्जेक्ट का नामकरण हम ही लोग करते हैं और वही बाद में जाके पॉपुलर हो जाता है तो आज नामकरण भी हो गया नामकरण भी बहुत ज़रूरी होता है हमें मुझे याद है कि जब भी नया सिलेबस आया है पिछले पाँच साल पहले भी आया था अभी भी आया है हम लोग नामकरण पे भी बहुत ध्यान देते हैं कि इसका शॉर्ट क्या होना चाहिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से फिर हम सब्जेक्ट को डेजिग्नेट करते हैं तो शॉर्ट और पूरा सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है और इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव स्टेज में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सात सब्जेक्ट हैं पहला बर्डन तो आपका एक कम हुआ कि एक सब्जेक्ट कम हो गया दूसरा हर एक सब्जेक्ट एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत ज़रूरी है जै जैसे पहले आ, पिछले सब सिलेबस में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था उसमें थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी बनाना बच्चों का रोल नहीं है सी एज अ बट फिर भी वो सब्जेक्ट एक थोड़ा नॉन कोर ज्यादा सब्जेक्ट था फॉर कंपनी सेक्रेटरी राइट सी एस प्रोफेशनल में सी एस प्रोफेशनल में कंटिन्यू करा गया है लेकिन एक एग्जीक्यूटिव में जो बहुत बेस होता आ, है कोर सब्जेक्ट ज्यादा है जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि काम सबसे ज्यादा हमें कोर सब्जेक्ट्स का ही आने वाला है आगे चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट बने या प्रैक्टिसिंग सी बने राइट right. तो नए सिलेबस के बहुत बेनिफिट हैं और, और मेरा यह मानना है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो कैसा भी सब्जेक्ट हो आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल फोकस करके रखनी है और, और फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना एग्जीक्यूटिव राइट right? और ये जो जोश रहता है ना स्टार्ट करते हुए वो बिल्कुल कायम रहना चाहिए right? एक बात, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी हमारा जो डिस्कशन रहा इस बात पे कि सबसे पहले हम नामकरण करते हैं सब्जेक्ट का hmm. वो इसलिए भी पॉसिबल होता है वी आर ओनली फॉर सी एस और yes. अभी हम लोग ये वीडियो बच्चों के लिए बना रहे हैं और 6 फरवरी को हमारा एग्जैक्टली डे exactly है वी एंट्रिंग इन टू द फोर्टींथ ईयर चौदह साल हो जाएंगे ओनली फॉर सी नथिंग एल्स में मतलब हम कभी सी में नहीं गए कभी सी में नहीं गए सी में जिसको कहते हैं बीकॉम बीकॉम ये सब कभी हमने पढ़ाया नहीं ओनली फॉर सी में रहे तो हमारा किया गया हर काम CS CS के बच्चे के बहुत एडमायर करते हैं है। अगर हमने किसी सब्जेक्ट का नामकरण कर दिया तो बच्चों को लगता है यही नाम होना चाहिए है exactly. कि नहीं और नाम छोटा नाम बहुत जरूरी है क्योंकि इतना लंबा लंबा नाम बच्चा बोल ही नहीं पाता है exactly. तो यहाँ ये यह बहुत जरूरी है और नए सिलेबस में अब जैसे मैडम बता रही हैं कि सबसे बड़ा फायदा ये तो है ही कि पुराने में आठ था अब एग्जैक्टली सात है लेकिन एक सब्जेक्ट की कोचिंग लेने के लिए जब आप आते हैं तो दो ढाई घंटा तीन घंटा खराब होता है वो दो ढाई तीन घंटा कोचिंग वाला बचेगा उसके बाद घर पे भी सेल्फ स्टडी करते उस एडिशनल सब्जेक्ट में है ना अब वो आगे. मान के चलिए एक सब्जेक्ट भी हटने से अगर इन लोग को डेली बेसिस पर तीन से चार घंटे का टाइम बचता है, है थाँगे तो वही तीन चार घंटे वो बाकी सात सब्जेक्ट पर अगर डालेगा तो सब दस मार्क्स भी बढ़ते हैं दस मार्क्स से तो बहुत फर्क पड़ता है सीएस जैसे एग्जाम में है कि नहीं तो नया सिलेबस मुझे लगता है काफी बढ़िया है कम से कम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक पेपर कम है पुराने में आठ और नए में कितना exactly? तो ये में एक मेजर अट्रैक्शन क्लियर कर रहा है हाँ मैंने भी अपने जमाने में साथ ही किया था एक्चुअली मेरे जमाने में भी ऐसा ही कुछ हुआ था स्विच स्विच ओवर ओवर कि मैं पहले ओल्ड सिलेबस से चार पेपर दे चुका था उसी समय आईसीएसआई का नया सिलेबस आया और दोनों मॉड्यूल मिला के छ पेपर उन्होंने कर दिया मैं तुरंत से एक अगले मॉड्यूल के लिए न्यू सिलेबस में स्विच ओवर कर गया तो मैंने चार और तीन साथ दिया था और बड़ा फायदा हुआ तो ये होता है न्यू सिलेबस आने पे कभी कभी बच्चों को फायदा भी हो जाता है और मुझे लगता है इस बार भी फायदा बहुत बच्चों को होगा खासकर ऐसे बच्चों को जो मॉड्यूल फर्स्ट दे रहे हैं जून में ओल्ड सिलेबस से और दिसंबर में वो देना चाहेंगे मॉड्यूल सेकेंड नए सिलेबस से उसमें उनको बड़ा फायदा मिलने वाला भी है ना जी अब कौन नेक्स्ट स्टूडेंट आने वाले हैं गुड इवनिंग टीचर्स माई क्वेश्चन इज फॉर तनवी मैम दैट वॉट स्ट्रैटेजी वी शुड फॉलो फॉर कवरिंग द न्यू सिलेबस इन सिक्स थैंक यू शिवम फॉर योर क्वेश्चन सो वेरी एपली आस्ट की स्ट्रैटेजीज क्या चाहिए होती है हमें सीएस न्यू सिलेबस क्लियर करने के लिए कभी भी कोई गोल तक पहुंचना होता है तो उस गोल को पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले सोचना होता है क्या शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज हो और क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सो फॉर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आपको न्यू सिलेबस में ही एग्जाम देना है बिकॉज जब भी स्विच ओवर आते हैं ना हर जगह बहुत कंफ्यूजन होती है न्यू देना है ओल्ड देना है ओल्ड दे न्यू दे तो इधर उधर की कोई बातें नहीं सुननी आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे न्यू सिलेबस में अपना एग्जाम देना है so, सो न्यू सिलेबस में एग्जाम देने के बहुत सारे एडवांटेजेस सर और श्वेता मैम ने ऑलरेडी बताए हैं सबसे बड़ा एडवांटेज तो मुझे यही दिखता है कि एट एग्जाम से सेवन एग्जाम हो गए एक एग्जाम भी हमें ऐसा लगता है जल्दी एग्जाम खत्म हो जाएगा ना वो ही खुशी दिखाता है सो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग सी एस विद न्यू सिलेबस इज कि स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन यस यस डू नॉट डिले कि अभी तो न्यूज सिलेबस आए है देखते हैं सोचते हैं ढूंढते हैं ये सारी चीजें नहीं करनी दिसंबर से लगेगा दिसंबर हाँ, बहुत दूर है बहुत दूर है, बहुत दूर है, है। अभी तो बहुत टाइम है सोच लेते हैं घूम आते हैं थोड़ा तो ये सारी चीजें नहीं करनी स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन यू ऑल नो सी एस इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स स्टार्ट ओनली एंड स्टार्ट विद राइट पीपल जल्दी स्टार्ट करना है और सही लोगों के साथ जुड़ के स्टार्ट करना है सही टीचर्स के साथ जुड़ के स्टार्ट करना है स्पेशलाइजेशन की तरफ देखना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट ओनली फॉर सी एस सी एस कर रहे हैं तो वहीं जाना है जहां पे सीएस स्टूडेंट्स को एंटरटेन किया जाता है ओनली सी एस ओनली सी एस स्टूडेंट्स ये नहीं एक रो में सी एस बिठा दी एक में सी ए बिठा दिए एक में बिठा चैप्टर चैप्टर सेम आईसीएम से बोलते हैं बहुत जगह सो ये नहीं करना एंड थर्डली वॉट आई थिंक इज प्रैक्टिस इज द की प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी इज द की यहां पे जो पढ़ के जाएंगे आप इंस्टीट्यूट में वो घर जाके जरूर रिवाइज करना है ये हमारी एक स्ट्रैटेजी रेगुलर बेसिस पे टाइम टेबल बना के रेगुलर बेसिस पे टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके पढ़ना जरूर है एंड मैनेज टाइम वेल प्रिपेयर स्मार्टली एंड राइट योर आंसर्स प्रॉपरली सब्जेक्टिव पेपर में आंसर्स लिखने भी एक कला होती है सो so, वो भी सीखना है आंसर्स लिखना कैसा है

कि न्यू सिलेबस है उसमें एक पेपर कम हो गया तो ये इजी हो गया है ऐसा भी हाँ, नहीं है। इजी तो नहीं हुआ आपका टाइम बच रहा है लेकिन उसी हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ा दिया गया है अभी आप देखिए कि एमसीक्यू वाली बात है बड़ा बहुत बच्चे पूछते हैं कि जो न्यू सिलेबस है उसमें सात पेपर है तो सात पेपर में कोई भी डायरेक्टली हंड्रेड एमसीक्यू नहीं है जैसे ओल्ड सिलेबस में टैक्स एमसीक्यू था एफ एस एम एमसी क्यू था एंड सी एम एम सी क्यू था तो तीन सब्जेक्ट एम सी क्यू होते थे आठ थे पर तीन एम सी क्यू थे तो बैलेंस बन जाता था अब क्या हुआ न्यू सिलेबस में इन्होंने सातों पेपर में है ना ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट एट्टी परसेंट डिस्क्रिप्टिव ट्वेंटी परसेंट एमसी क्यू लेकिन उसमें भी जो सी एफ एम सब्जेक्ट है सी ए एफ एम सब्जेक्ट जो है उसमें उन्होंने पूरा हंड्रेड परसेंट क्या रखा है डिस्क्रिप्टिव रखा है वहां एमसी क्यू नहीं है तो आप जरा देखिए सात पेपर है सात में से छह में इन्होंने 80 20 का क्या रखा है प्रोपोर्शन रखा है 80 परसेंट डिस्क्रिप्टिव और 20 परसेंट एमसीक्यू लेकिन चक्कर कहा है मैम बच्चों को लग रहा है 20 MCQ, 20 एमसीक्यू 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 लेकिन वो वो जो है वो है केस केस बेस्ड बेस्ड क्या एग्जैक्टली exactly? अभी मैंने मेरे, मेरे से दो तीन दिन पहले बात हो रही थी आ, अनुसर के साथ तो अनुसर चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो सीए इंस्टीट्यूट के साथ भी इनका अच्छा कनेक्शन है सीए इंस्टीट्यूट में पहले से चालू हो चुका है ये केस बेस्ड वाला और ये बता रहे थे कि सर वो लोग क्या करते हैं एक ही क्वेश्चन बनाते हैं इतना बड़ा सा केस और उसी के अंदर जितना एमसीक्यू डालना है सब डाल देते हैं अगर बच्चे का वो केस उसको समझ में नहीं आया तो सारा एमसीक्यू खराब हुआ आप बात समझ रहे हैं तो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सात पेपर है एक पेपर कम हो गया और हर सब्जेक्ट में ट्वेंटी परसेंट एमसीक्यू सी एफ एम में नहीं है मैं पहले बता दू सीएफएम तो अकाउंट्स है तो उसके अंदर नहीं है लेकिन फिर भी उनको लगता है सात में से छह पेपर में ट्वेंटी परसेंट एमसीक्यू तो ट्वेंटी परसेंट में ट्वेंटी परसेंट मार्क्स तो आ ही जाएंगे वो उल्टा भी पढ़ सकता है वो उल्टा ऐसे पढ़ सकता है चूंकि केस बेस्ड है ये इतना बड़ा बड़ा केस बना रहे हैं और एक केस बनाते हैं उसी पर पांच एमसीक्यू अब बताइए अगर केस या तो आया या नहीं आया अगर केस आया तो पांचों एमसीक्यू सही लेकिन केस नहीं आया तो पांचों एमसीक्यू खराब होने का एक रिस्क है तो मतलब इतना भी लिनियंटली इन बच्चों को नहीं लेना है कि दिसंबर से लगेगा देखेंगे साथ ही तो पेपर है एक पेपर कम है ये ज्यादा डेंजरस होने वाला है मुझे तो साफ लग रहा है मुझे तो कभी कभी लगता है कि ओल्ड सिलेबस में जिसमें आठ थे कम से कम तीन हंड्रेड परसेंट एमसी थे वो थोड़ा फायदा ज्यादा देता था न्यू सिलेबस में थोड़ा मेहनत तो रहेगा मेरा मानना है तो न्यू सिलेबस भी उतना आसान नहीं होने वाला है। एक सब्जेक्ट कम होना टाइम बचाने के बराबर है लेकिन इंटेंसिटी मेहनत तो वही होने वाला है मेरा तो ये मानना। राइट। और और किसी का कोई क्वेश्चन कम। गुड इवनिंग टू ऑल माई डियर टीचर्स माई सेल्फ पलक पांचाल माई क्वेश्चन इज फॉर श्वेता मैम हु ऑल टीचर्स विल टीच अस न्यू सिलेबस ओके मतलब न्यू सिलेबस में हमारे एनकेजे क्लासेस में कौन कौन से टीचर्स होंगे ना टीचर्स खुद बता रहे हैं कि हम कौन कौन हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत है तो टीचर्स की से, कौन से टीचर क्या क्या पढ़ाएंगे राइट तो आपको सारे टीचर्स का इंट्रोडक्शन आज मिलेगा आपको पता चलेगा कौन क्या पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा मॉड्यूल वन में की से स्टार्ट करते हैं जिसमें फोर पेपर्स हैं आपके पहला पेपर आपका है एंड एंड जनरल लॉज जो जो पढ़ाएंगे आपको and उसमें जो एक स्पेशलाइज़ेशन है जिसमें पार्ट ऑफ जे आई जी एल बिजनेस के अंदर, yes. है। पहले से Loss, था था। अंदर से बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस इन्होंने हटा के, बिजनेस के साथ बिजनेस बड़ा बड़

ये आपका पूरा का पूरा ये सारे yes. दूसरा पेपर है मॉड्यूल वन का स्पेशलाइजेशन जिनकी है नितेश सर सी एस नीतेश सर आपको पढ़ाएंगे कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस पूरा पढ़ाऊंगा पूरा एक, एक भी चैप्टर किसी को नहीं दे रहा। उसका कोई पार्ट किसी को नहीं है ये मैं पूरा सर पढ़ाएंगे पूरा तीसरा सब्जेक्ट जो है आपका वो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस जिसको एस बोलते हैं जैसा आज नामकरण हुआ है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस इसमें सेटिंग अप ऑफ बिजनेस तक आपको सर पढ़ाएंगे पार्ट ए और पार्ट बी मैं आपको पढ़ाऊंगी सी एस श्वेता एंड आई एम गोइंग टू टेक योर इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ इन पेपर नंबर थ्री एस चौथा पेपर जो आपका है सी एफ एम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज बाय सी ए अनुज सर तो अब कॉस्ट की बात आती है अकाउंटिंग की बात आती है तो डेफिनेटली उसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की है विदाउट एनी डाउट राइट तो जो प्रोफेशन प्रोफेशनल अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है दैट टीचर इज टेकिंग योर सी एफ एम नाउ मॉड्यूल वन इज क्लियर कमिंग टू मॉड्यूल टू पहला मॉड्यूल टू का सब, पहला सब्जेक्ट वे लेकिन आईसीएसआई के एग्जीक्यूटिव में पेपर नंबर फाइव दैट इज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ तो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ सी जो आप भी सर ने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया है, सालों से सिक्योरिटी लॉ में द ओनली एक्सपर्ट इज सी एस नितेश सर तो सर ने उसमें भी किसी और को हिस्सा नहीं दिया और पूरा सब्जेक्ट आपको सी एस नितेश सर ही पढ़ाएंगे सीएमएसएल शेयर मार्केट है ना शेयर मार्केट और आप मानेंगे नहीं आ, मुझे नहीं पता बाकी का लेकिन नितेश सर इसमें आपको प्रैक्टिकल कराते हैं खुद खरीद के दिखाते हैं शेयर्स प्रैक्टिकली आपके सामने वेबसाइट ओपन होती है सर अपने अकाउंट खाली करके आपको ज्ञान <laughs> देते हैं कि कैसे खरीदने हैं शेयर्स कैसे बेचने हैं कॉल पुट ऑप्शन सब कुछ yes, yes. तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक्सपर्ट से ही मिल सकता है थ्योरी तो कोई भी आपको पढ़ा देगा ये हैजिंग है आप ऐसे कॉल uh, ये होती है पुट ऑप्शन ये होता है लेकिन जो करके दिखाए प्रैक्टिकली आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रैक्टिकल में कोई भी फंस सकता है करने में जो जिसको अच्छे से आता है जो इस चीज में एक्सपर्ट है वही प्रैक्टिकल कर सकता है सो यू विल गेट एक्सपर्ट गाइडेंस इन सी एम एस एल फ्रॉम सी एस नितेश सर सिक्स सब्जेक्ट जो है वो है इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस ई सी आई पी एल तो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ का जो पार्ट ए है वो सी एस नितेश सर पढ़ाएंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस सर ने मुझे दिया है तो आई एम गोइंग टू टेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस पार्ट बी एसीएल और के बारे में बताता हूं मैं अभी ये 2022 का सिलेबस है 22 के पहले 2017 वाला सिलेबस था 17 के पहले 2012 वाला सिलेबस था 2012 वाले सिलेबस में ईसीएल नाम का ही सब्जेक्ट होता था इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ तो ईसीएल तो मैं अब मुझे 14 साल हो गया पढ़ाते हुए इकोनॉमिक एंड तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स यहां दिखते हैं ना मुझे सबका मालूम है कब कभी ये होता है कभी ये नहीं होता है है ना ये बदलता रहता है तो पहले ईसीएल ही हंड्रेड मार्क्स का होता था मैं इसी e एल ही -E पढ़ाता था अब इन्होंने इसमें आईपीआर जोड़ा है तो आईपीआर थोड़ा okay. एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे थोड़ा स्पेशलाइजेशन की जरूरत है टीचर पूरे डिवोशन के साथ पढ़ाए पढ़ाएर भी एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ लॉ है एक्ट exactly. तो एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ लॉ होने की वजह से मुझे लगा कि एक्सपर्टीज जो जिनका हो वो ज्यादा अच्छा रहेगा तो जिससे कि पूरा टाइम डिवोट कर पाएंगे तो श्रोता मैम विल बी टेकिंग द आई पी एल आई पी आर पार्ट

ये टैक्स के साथ मैं आजकल देख रहा हूँ बड़ा बुरा हो रहा है न्यूज सिलेबस में आप देखेंगे एक तो इन्होंने मॉडल फर्स्ट से उठा के मॉडल सेकेंड में भेज दिया उसके बाद चूंकि अब मैं आई डी टी पर आता हूँ तो टैक्स के साथ कुछ होता है तो मुझे भी थोड़ा दर्द हो जाता है है ना थोड़ा कम दर्द होता है चूँकि सिर्फ आई डी हूँ लेकिन दर्द तो है ऐसे भी जो कस्टम है और जी है वो तो वन ऑफ माई मेन फोटे है तो उस केस में आप देखिए मॉडल फर्स्ट से उठा के मॉडल सेकंड में करता है प्रोफेशनल से ये टैक्स हटा देता है प्रोफेशनल में पहले टैक्स था अब उन्होंने टैक्स को हटा के ऑप्शनल में कर दिया है और ऐसा जनरली लोग बोलते हैं कि सी का स्टूडेंट शायद ही वहाँ टैक्स लेगा चूंकि टैक्स से भी अच्छे अच्छे पॉपुलर सब्जेक्ट ऑप्शन में हैं वहाँ पर जिसमें सी का एक एरिया बन सकता है काम करने का एक एरिया बन सकता है तो ये टैक्स के साथ मैं देख रहा हूँ अभी आप जब बोली तो मुझे याद आया कि दिस इज़ अ लास्ट सब्जेक्ट इन आईसीएसआई सी एस एग्जीक्यूटिव तो ये भी मुझे लगा इसकी प्लेसिंग भी आप देखिए इन्होंने सातवें नंबर पे किया है मतलब टैक्स को लेके पता नहीं इस बार आईसीएसआई को क्या गुस्सा है इन्होंने एक तो टैक्स को उठा के मॉड्यूल uh, सेकंड में डाला है मॉड्यूल सेकंड का भी सबसे लास्ट सब्जेक्ट डाला है और प्रोफेशनल से तो हटा ही दिया है तो वॉट आईसी मुझे लगता है आईसीएसआई को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है इतना टैक्स पढ़ा रहे हैं फ्यूचर में हमारा बहुत ज्यादा स्कोप इसमें नहीं है लॉ पर इन्होंने बड़ा ध्यान दिया मैं देख रहा हूं अभी देखो ओल्ड सिलेबस में आपका कंपनी अकाउंट्स 100 मार्क्स का था वहां एफ एम फोर्टी मार्क्सटी मार्क्स का था 60 sorry, 60 मार्ण। मार्ण। 60 so, आप देखिए पहले ये अकाउंट्स एफ एम बी अकाउंट जैसा ही होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसको लोग बोलते हैं ऐसे प्रैक्टिकल तो लॉ होता है मेरा मानना है लॉ सबसे प्रैक्टिकल है लेकिन जिसको लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं तो सोचिए पहले वो एक मार्क्स का पढ़ा रहा था आप सोचिए सौ मार्क्स का अकाउंट्स पढ़ा रहा था और सिक्सटी मार्क्स का एफ पढ़ा रहा था ये दोनों को मर्ज करके अकाउंट्स और एफएम को मर्ज करके 100 मार्क्स बना दिया तो इसमें 60 मार्क्स यहां से काट लिया तो इस बार का फोकस आप देखेंगे तो सात सब्जेक्ट में से एक टैक्स वाला है टैक्स भी लॉ ही है और एक आपका सी एफ एम है पांच सब्जेक्ट एकदम प्योर लॉ है और पहले भी पांच था आज भी है तो लॉ लॉ के साथ छेड़छाड़ नहीं करते ये बाकी सब्जेक्ट का स्कोप ये जो एक सब्जेक्ट आपका कम हुआ है ना उसमें यही तो कम किया इन्होंने एफएम हटा दिया साठ से घटा के कम कर दिया अकाउंट्स काफी कम कर दिया तो ये थोड़ा इनका है मैं देख रहा हूं नए सिलेबस में इनका मेन फोकस जो है वो लॉ पे अगर बच्चा लॉ पे दम लगा दिया है ना मेरा तो एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है आईसीएसआई न्यू सिलेबस लव लॉ क्लियर सी मतलब आप लॉ से प्यार कीजिए यू विल सटनली आप आराम से क्लियर कर जाएंगे क्योंकि अब देखिए ना सात में से पांच प्योर डायरेक्ट लॉ है

मैंने तो कोई टैक्स का, का काम किया नहीं है आई थिंक सर ने भी नहीं करा तो मैं करता हूं, मैं करता हूं। जीएसटी में करता हूँ हाँ, ऐसा GST, नहीं है है ना जीएसटी करते हैं जीएसटी हाँ, तो. में हम लोग भी फार... काम करते हैं लेकिन ये है कि मेन कमाई तो सीएस का लॉस ही आता है, क्योंकि एरिया ही वही लोग उसी के लिए उसको जानते हैं बिल्कुल है ना ऐसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत बड़ा लॉ का काम करता हुआ दिखाई देता है लेकिन ये है कि उसको लोग जानते तो अकाउंट्स टैक्स के लिए हम पे लोगों का विश्वास थोड़ा कम रहता है कि सीएस अगर अकाउंट्स का काम कर रहा है टैक्स का काम कर रहा है तो शायद कुछ डाउट रहे स्टीरियोटाइप है ये कहानी है तो और कौन सा क्वेश्चन uh, कौन भी सा बच रहा है क्वेश्चन गुड इवनिंग एवरीवन माय सेल्फ तन्नूर घंडेलवाल माय क्वेश्चन इज फॉर अनुज सर सर व्हाट इफ वी गिव फर्स्ट मॉड्यूल इन ओल्ड सिलेबस एंड सेकंड मॉड्यूल इन न्यू सिलेबस क्या नाम बताया आपने तन्नूर है ना एक्चुअली uh, आप ये पूछ रही हैं कि, कि किसी बच्चे ने अगर जून में ओल्ड सिलेबस से अगर मॉड्यूल फर्स्ट पास कर लिया तो से और दिसंबर अगर वो न्यू सिलेबस से देना चाहता तो उसको क्या फायदा मिलेगा ये पूछना चाह रही अच्छा ठीक तनुर मुझे लगता है सर एक चीज मेरे को समझ आ रही है बच्चों ने ना क्वेश्चंस बड़े ध्यान से फ्रेम करें मेरा टेक्नीशियन टेक्निकल सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन भी टेक्निकल ही है, है ना चलो बच्चे का क्वेश्चन ये है कि भैया अगर सर हमने जून में पेपर दे दिया फर्स्ट मॉड से निकल भी गया सपोज तो व्हाट अबाउट सेकंड जो हमारा मॉड्यूल है उसको क्या करेंगे उसमें हम ओल्ड में दे तो सकते ही हैं बट व्हाट अबाउट कि अगर नए में देना चाहें तो दे सकते हैं द आंसर इज यस द आंसर इज यस आप बिल्कुल एलिजिबल हो आप अपना फर्स्ट मॉड क्लियर करो ठीक है और सेकेंड मॉड में जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे तो आप सेकेंड मॉड के लिए न्यू कोर्स के लिए एलिजिबल हो वहाँ पर एक चीज़ फायदा मिलेगा आपको कि आपके तीन सब्जेक्ट हैं कौन कौन से

ठीक है अगर आप बात करो तो हमारे तीन सब्जेक्ट में भर भर के नेगेटिव जयमा दर्दी में फेल हो जाते थे थीके? तो यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है एमसीक्यू अब जैसे अकाउंट्स का पेपर है ठीक है या टैक्सेशन है सर आपने पढ़ा क्लियर है आपके दिमाग में रहता है पेपर क्या है एमसीक्यू बेस्ड है तो होता क्या है कि सर हमारा ना पढ़ने का तरीका भी चेंज हो जाता है हम फोकस कहां करते हैं क्वेश्चन के एमसीक्यू पैटर्न पे पूरे क्वेश्चन पे हमें पता है कि यार इतना लेंथी क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा क्लियर है तो सॉल्यूशन पे भी ध्यान नहीं जा रहा क्लियर है छोटे छोटे क्वेश्चन करें और निपट गए लेकिन अब क्या है बेटा अब पूरा सब्जेक्टिव हो चुका है अब पूरा सब्जेक्टिव है तो अब क्या है अब आप वैसे ही पढ़ोगे जैसा सब्जेक्ट है अगर अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आप अकाउंटिंग करोगे क्लियर है और पॉइंट इज वहां पे ना आपको नंबरिंग का फायदा मिलेगा क्योंकि जरूरी नहीं है आपने सारे क्वेश्चंस करा सब कुछ आते हैं जितना करोगे स्टेप मार्किंग मिलेंगे क्लियर है तो फायदा तो है सेकेंड बॉर्ड को लेने का या फिर मैं कहूँ न्यू न्यू मॉड्यूल में न्यूज कोर्स में आने का फायदा तो है ठीक है और ऑफकोर्स कुछ डाउट क्लियर बेटा ठीक है चलो आ जाओ अब नेक्स्ट आ जाओ अगर और भी कोई डाउट है तो एकदम खुल के पूछ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है है ना वी टीम दी एस एंडलीयर टू आंसर गुड इवनिंग टीचर्स मायने में यशिका दादोट आई वॉन्ट टू नितेश सर सर वी आर टोटली और वी शुड गो फॉर ओल्ड सिलेबस चलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत सारे बच्चों का मुझे लगता है ये टॉप टॉप में ये क्वेश्चन अभी ट्रेंड कर रहा है नहीं क्योंकि अभी कुछ दिन तक नहीं ट्रांजिशनरी मोड है तो लोग थोड़े से डर रहे हैं है ना देखिए मेरा तो साफ मानना ध्यान से सुनिए आप अभी ये कौन सा मंथ चल रहा है एग्जैक्टली फेबर जनवरी फेबर यही चल रहा है ना देखो भाई अगर कोई भी बच्चा सी एच डबल जनवरी पास आउट है तो 31 जनवरी तक अगर वो आईसीएसआई में रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो जून के लिए एलिजिबल है ओल्ड सिलेबस से एलिजिबल है तो उसको जून अटेम्प्ट ओल्ड सिलेबस से देना चाहिए मेरा साफ मानना है कि छह महीना क्यों खराब किया जाए एक अटेम्प्ट क्यों खराब किया जाए क्योंकि ओल्ड में अगर उन्होंने जून में एग्जाम दिया और मालूम चला वो पास हो गए तो आराम से दिसंबर में न्यू सिलेबस से मॉड्यूल सेकंड देंगे अब मॉड्यूल सेकंड में तीन पेपर है टैक्स एग्जेप्ट हो जाएगा बचेगा कितना दो पेपर तो बताइए कितना अच्छा रहेगा सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं हां अगर कोई बच्चा 31 जनवरी तक आईसीएसआई में रजिस्टर्ड नहीं होता है 31 जनवरी के बाद रजिस्टर्ड होता है तो ऑप्शन नहीं है एक फरवरी से जिसका भी रजिस्ट्रेशन आईसीएसआई के अंदर होगा उसको न्यू सिलेबस ही मिलेगा और उसका पहला दिसंबर ही होगा और जब पहला अटैम्प्ट दिसंबर होगा तो फेरवरी से दिसंबर लगभग ग्यारह महीने का टाइम है मेरा मानना है ग्यारह महीने में दो मॉड्यूल आराम से हो जाएगा एक सब्जेक्ट ऑलरेडी कम हो चुका है देखिए ओल्ड सिलेबस में ना आठ सब्जेक्ट होते थे तो हम बच्चों को ना दोनों मॉड्यूल के लिए जल्दी से बोलते नहीं थे लगता था कि बहुत टफ हो जाएगा लेकिन अब सात सब्जेक्ट है ना तो बच्चा एकदम आराम से क्या कर सकता है दोनों मॉड्यूल दे सकता है वह भी अगर फेबर में आईसीएसआई में रजिस्टर्ड हो रहा है तो फेबर से देखेंगे आप दिसंबर तक तो लगभग ग्यारह महीने का टाइम है उस बच्चे को न्यू सिलेबस से अगर जाना है दिसंबर में एग्जाम देना है तो दोनों मॉड्यूल देना चाहिए हाँ लेकिन अगर इकतीस हाँ इकतीस जनवरी तक वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं आई में तो तो मेरा मानना है कि उसको अटैम्प्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको एग्जैक्टली exactly जून में एग्जाम देना चाहिए मेरा ये मानना है हाँ जून में एग्जाम देना एक चैलेंज है लेकिन अगर ये चैलेंज सक्सेसफुल हो गया तो कितना फायदा होगा जरा सोचिए मॉड्यूल फर्स्ट ओल्ड सिलेबस से चार पेपर पास मॉड्यूल सेकेंड न्यू सिलेबस से कितने पेपर दो पेपर है कि नहीं सही बोल रहा बोलना कि नहीं बोलना पहले बताइए तो मेरा मानना है कि यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्ट्रैटेजीज तो क्या ही होना है वो सब डिपेंड करेगा कि आप आईसीएसआई में कब रजिस्टर्ड होते हैं अगर आईसीएसआई में रजिस्टर्ड होते हैं इकतीस जनवरी से पहले तो यू आर एलिजिबल फॉर जून एंड इफ यू आर एलिजिबल तो आप क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना जून अटैम्प्ट मेरा मानना जून अटैम्प्ट एक बार देखना चाहिए बारह रुपए का एग्जामिनेशन फॉर्म ही तो लगता है।, है कि नहीं देखिए ऐसे भी अगर वो बच्चा दिसंबर सोचता है तो दिसंबर में ही देने वाला है जून में एक बार एग्जाम देके भी अगर लगता है फेल कर जाएंगे तो भी दिसंबर ही देने वाला है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है है कि नहीं तो मेरा तो भाई ये एडवाइस है बच्चों को इकतीस जनवरी तक अगर आईसीएसआई में रजिस्टर्ड हो तो देन गो फॉर ओल्ड सिलेबस जून अटेम्प्ट एक मॉड्यूल मॉड्यूल फर्स्ट लेकिन अगर आप एग्जैक्टली exactly एक इकतीस जनवरी के बाद इस, इसका मतलब एक फरवरी या एक फरवरी के बाद अगर आप आईसीएसआई में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको न्यू सिलेबस ही मिलेगा तो कोई चॉइस नहीं है और आपको एग्जैक्टली न्यू सिलेबस में मेरा मानना है कि अब चूंकि सात ही सब्जेक्ट हैं तो सात आठ नौ महीने बहुत हैं आराम से आप दोनों मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ये मेरा मानना है और बच्चे कुछ पूछना चाहते हो कुछ भी डाउट है कुछ भी जो बच्चे ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने सारे क्वेश्चन पूछिए अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर उनके भी कोई क्वेश्चन हो गए तो उसका भी आंसर उनको मिल जाएगा और अगर आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम जरूर आंसर करेंगे मैंने एक स्टाफ पूरा लगा दिया है उसका काम ही यही है वो हमेशा आंसर करता रहता है और इवन आई आई विल ऑल्सो आंसर जब भी मैं देखूंगा कि अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो अगर आपके दोस्तों के कोई क्वेश्चन है कोई भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे जरूर पूछिए अभी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ फेस टू फेस हमसे क्वेश्चन पूछा हमने उसका आंसर दिया आशा करता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन बच्चों ने यहां पे पूछा है उसके आंसर से आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा लेकिन हल्का सा भी अगर कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए हम जरूर उसका आंसर करेंगे एज सुन एज पॉसिबल तो मुझे लगता है इस वीडियो में ये जो एफ सीरीज है अभी हम और भी लेके आएंगे लेकिन अगर आप पहले से हमसे क्वेश्चन पूछे रहेंगे हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछे रहेंगे इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप है ये फोन नंबर चलता रहता है यहाँ पे आप उस फोन नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप यूट्यूब के कम वीडियोस के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे आई पे आके तो आप जो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका तुरंत आंसर हम वहाँ भी करेंगे और उसके लिए हम वीडियो भी बना के देंगे आपको और तुरंत वीडियो बना के देंगे तो ये बहुत जरूरी है है ना बाकी एक फरवरी से हमारे यहाँ आईसीएसआई न्यू सिलेबस का भी बैच स्टार्ट हो चुका है और सारी की सारी क्लासेस टीम देखिए आपके सामने हमारी पूरी की पूरी टीम है नए बुक के साथ नए सिलेबस के साथ हम नए जोश के साथ हैं तैयार है ना बस अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर पूछेगा ठीक है तो इस एफएक्यूज़ वाले वीडियो में यहीं तक फिर मिलता हूं और भी वीडियो के साथ अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो और भी वीडियो बना के हम लाएंगे और जब तक हम नहीं मिलते हैं दुआओं में याद रखिएगा खुश रहें आप खुश रहें आपका परिवार